बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ है। क्या किया? तो मुझे नहीं पता। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पुलिस रसूल का खत और उसका चार बाब और उसकी चार आयत से सात आयत तक खुदा के कलाम को सुने। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावन की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जो हवाला जात अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें लिखा है कि तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मसीह यीशु में वो क्या रखेगा? महफूज रखेगा। जब हम अपनी दरखास्तें खुदावन की हुजूरी में पेश करते हैं शुक्रगुजारी की मिन्नत के वसीला से और दुआ के साथ हम अपनी दरखास्तें खुदावन की हुजूरी में पेश करते हैं, तो वो हमारे ख्यालों को हमारे दिलों को वो क्या करता है? महफूज करता है। तो देखते हैं कि सालगिरह के हवाले से हम खुदावन के कलाम को सुनते हैं, तो सालगिरह जो होती है हम देखते हैं कि बड़ी खुशी मनाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। तो हमें खुशी किस बात की है? अगर एक इंसान का एक साल कम हो जाए तो वो उसको खुशी नहीं कहते, बल्कि उसकी जिंदगी का एक साल क्या हो गया? कम हो गया, घट गया है। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? खुदावंद की बारगाह में आते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं कि पिछले सालों में, पिछले साल गुजरा हुआ जो गुजरा साल है, इस गुजरे साल में खुदा ने हमें हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की आफतों से, हर तरह की बीमारियों से हमको महफूज रखा। इसलिए हम खुदावंद की क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं कि आइंदा साल भी खुदावंद हमारी क्या करे? निगाहबानी और हाजत करे। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में वो हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है, हमारी निगाहबानी करता है, हमारे ख्यालों को, हमारे दिलों को वो मसीह यीशु में क्या रखता है? महफूज रखता है। तो हम खुदावंद की क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हम तेरा क्या करते हैं? शुक्र करते हैं कि गुजरे सालों में जैसा तूने हमारी हिफाजत की है, आने वाले सालों में भी तू इसी तरह हमारी हिफाजत और निगाहबानी करता रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि हर बात में खुदावंद का क्या करो? शुक्र अदा करो। हर बात में, खुशी का वक्त है या गमी का वक्त है, परेशानी का वक्त है, हर बात में खुदावंद की क्या हो? शुक्रगुजारी। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए अच्छे वक्त में तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर लेते हैं, खुशी के मौके पर खुदा की शुक्रगुजारी कर लेते हैं। जब कोई परेशानी आ जाती है या कोई मुसीबत आती है, कोई वबा आती है, कोई आफत आती है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते। जैसा कि खुदा का बंदा अय्यूब जो है, वो बुरे वक्त में भी जब उसका सब कुछ छिन गया, मुख्तलिफ उसके पास खबरें आ रही है, अतला आ रही है, तो वो खुदावन की क्या करता है? शुक्रगुजारी करता है। उसने खुदा के साथ कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि खुदा की हुजूरी में झुक गया और कहा कि ये सब कुछ तेरा था और तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक। उसने खुदा की क्या की? शुक्रगुजारी।
अच्छे वक्त में तो हर कोई खुदा को याद करता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है, लेकिन मुश्किल वक्त में, बीमारी में, तंगी में, परेशानी में, मुसीबत में जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है वो खुदा को बहुत पसंद आता है। हमें बुरे वक्तों में खुदा की हर वक्त क्या करनी है, शुक्रगुजारी, अच्छे वक्तों में खुदा की शुक्रगुजारी करनी। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल क्या बयान करता है, कहता है कि हर बात में खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमारे ख्यालों और दिलों को क्या करता है, मसीह यीशु में महफूज रखता है। जब हम उसकी क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ और मेहनत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ हमारी दरख्वास्तें खुदा की हुजूर में जब जाती हैं तो वो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखता है। बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल बयान करता है कि जिस्मानी नियत क्या है, मौत है, और रूहानी नियत क्या है, जिंदगी है। जब हमारे ख्याल जिस्मानी होंगे, हमारी सोचें जिस्मानी होंगी, तो जिस्मानी नियत लिखा है कि मौत है, लेकिन रूहानी नियत खुदा की क्या है, खुदा की शुदारी है, रूहानी नियत जिंदगी है। जैसा कि हमारे पास एक बहुत बाइबल मुकद्दस में जिंदा मिसाल है कि जब हेरोदीस की बेटी की सालगिरह हुई तो लिखा है कि हेरोदीस की बेटी ने वहां पर महफल में नाच कर, जब वो नाच रही थी महफल में सालगिरह के मौका पर, जब उसने वहां पर नाच गाना किया तो हेरोदीस बादशाह क्या कहता है मेहमानों में, जो बहुत अमीर तरीन वहां पर मेहमान थे, फौजी सरदार थे, जितने भी उसके पास मेहमान थे, उन मेहमानों के सामने उसने कहा कि जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे आधी सल्तनत तक दे दूंगा। और जब वो देखते हैं कि एक जिस्मानी तौर पर जिस्मानी नियत है, जिस्मानी तौर पर वो सालगिरह मना रहे हैं, तो वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ से पूछती है कि बताओ कि मैं क्या मांगूं। उसकी माँ क्या कहती है, उसकी माँ कहती है हेरोदियास के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सार मुझे थाल में चाहिए। देखा कि हेरोदीस बादशाह इस बात पर बड़ा गमगीन हुआ। हेरोदीस बादशाह जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कैद खाने में बंद था, जब वो उसका सर मांगती है कि उसका सर थाल में मुझे दिया जाए, तो लिखा है कि हेरोदीस बादशाह बड़ा गमगीन हुआ। वो क्यों गमगीन हुआ है, उसने क्यों नहीं खुशी की, उसकी बीवी जो कैद खाने के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंद है, तो वो उसको भी खुश होना चाहिए था कि मेरी बीवी जो है वो उस कैदी का सर मांग रही है तो मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर चलूं। लिखा है कि वो बहुत गमगीन हुआ, मेहमानों की वजह से वो इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मेहमानों के सामने उसने वादा किया था कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे आधी सल्तनत तक दे दूंगा। वहां पर क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, वहां पर क्या है, अबलीस का काम है। लिखा है कि जिस्मानी नियत क्या है, जिस्मानी नियत मौत है, तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कैद खाने में बंद है, तो उसका सर लिखा है कि सिपाही भेजकर उसका सर कलम करवाया और थाल में रख कर हेरोदीस की बेटी को दिया गया और उसने अपनी माँ को जाकर दे दिया। तो रूहानी नियत लिखा है कि जिंदगी है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ प्यार करते हैं, तो देखते हैं जब हम खुदा को खुशी के मौके पर हम बुलाते हैं तो वहां पर खुदावन क्या डालता है, हमारे कामों में बरकत डालता है, हमारे हाथों में खानदानों को बरकत देता है। जहां पर खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी होगी, जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जब हमारी नियत रूहानी होगी, तो रूहानी लोग जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के साथ चलने वाले लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं,
रूहानी लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जो जिस्मानी लोग होते हैं वो मेहंदी की रस्म पर, शादी की रस्म पर और इसी तरह सालगिरह की रस्म पर कोई ऐसा काम होता है, कोई ना कोई वहाँ पर कत्ल हो जाता है, किसी के गोली लग जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्योंकि लिखा है कि जिस्मानी नियत क्या है, मौत है, रूहानी नियत जिंदगी। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा अपने लोगों को जिंदगी बख्शता है। जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो खुदा के कलाम को सुनने से, खुदा की प्रस्तुति करने के वसीला से, खुदा की शुक्रगुजारी करने के वसीला से खुदा अपने लोगों को बरकत बख्शता है, खुदा अपने लोगों की जिंदगी को क्या करता है, सरफराज करता है, खुदा अपने लोगों की जिंदगी को दराजी बख्शता है, उम्र की दराजी खुदा बख्शता है जब आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आने वाले सालों में भी खुदा हमारी क्या करता है, हिफाजत करता, हमारी निगाहबानी करता है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं। तो हम खुदा की क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। खुदा का हम तेरा क्या करते हैं, शुक्र करते हैं कि गुजरे सालों में तुम्हारे साथ रहा और इसी तरह आने वाले सालों में भी तू हमारी क्या करता रहे, हिफाजत करता रहे, निगाहबानी करता रहे, हर तरह की आफतों वबाओं से हमको क्या रख, महफूज रख। तो वो सच मौत जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो आने वाले सालों में भी हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों, वबाओं, आफतों से वो हमको महफूज रखता है। तो अजीजों, बहनों, भाइयों, खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने आज ये हमें मौका बख्शा कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा को इज्जत और जलाल दें। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो ये सुनाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो हम खुदा के नाम को क्या देते हैं, इज्जत और जलाल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।